Hello, parents. This is Dr. Nupur Agarwal, occupational therapist, master's in pediatrics. तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप घर पे कौन कौन सी चीजें रख सकते हो सेंसरी आइटम्स के लिए, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनको छूने से प्रॉब्लम है कि वो कुछ चीजों को नहीं छूते हैं, कुछ चीजों को ज्यादा छूते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये राइस का ये रखा हुआ है बास्केट में, इसमें राइस और मैंने कुछ टॉयज मिला दिए हैं। तो इसमें आप आराम से बच्चों को प्ले करा सकते हो। जिन बच्चों को ये टेक्सचर छूने में प्रॉब्लम होती है या वो डरते हैं या भाग जाते हैं, तो आप सेंसरी बीन बनाइए। सेंसरी बीन में आप प्लेन राइस रखिए, जैसे मैक्रोनी मैंने डाली हुई है, इसमें चने डाले हुए हैं और कुछ टॉयज आप डाल सकते हो। और बच्चे को इस तरीके से आप टच करा सकते हो टेक्सचर को। 5 काउंट्स तक कराना है स्टार्टिंग में, फिर धीरे 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 ग्रेजुअली हम उस टाइम को बढ़ाएंगे 5 से 10 काउंट्स, फिर 10 से 15 काउंट्स। या फिर आप इसमें ये छोटे छोटे टॉयज रख दीजिए और वो टॉयज बच्चों को बोलिए कि पिकअप एंड ड्रॉप करें। जैसे कि इस टॉय को उठाया, फिर डाला, फिर उठाया, फिर डाल दिया, फिर उसके बाद उसको वापस बास्केट में डाल दिया। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं वो उस टेक्सचर को छुएगा। तो इस धीरे 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 आपको एक्सपोजर कराना है, एकदम से एक्सपोजर नहीं कराना है। तो इस तरीके से मैंने डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स घर की बनी हुई चीजों से रखे हुए हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये मैंने सूखा आटा रखा हुआ है, सूखे आटे में मैंने ये टॉयज डाल दिए हैं। इसमें भी जब बच्चा इसको पिक करेगा और ड्रॉप करेगा, फिर वापस ड्रॉप करेगा बास्केट में, तो वो कहीं ना कहीं उस टेक्सचर को टच कर रहा है, छू रहा है, तो इसका एक्सपोजर हो जाएगा। तो आप एकदम से ये नहीं सोचोगे कि मैं काफी देर तक बच्चा इसको टच करे, तो ये मत सोचिए। 5 काउंट्स या 10 काउंट्स मैक्सिमम स्टार्टिंग में आपको इसी तरीके से चलना है। इसी तरीके से ये एक आर्टिफिशियल सैंड आती है, जो बच्चे बिल्कुल बाहर की सैंड को टच नहीं करते हैं, तो इस तरीके से आर्टिफिशियल सैंड आती है और ये मोल्ड्स आते हैं उसके। तो इस तरीके से बच्चे को आपको ऐसे दोनों हाथों से छू के टच कराना है। और बच्चा अगर ये इस तरीके से नहीं करता है, तो आप ये मोल्ड्स लेके बच्चे को ऐसे बनवा के इस तरीके से करा के फिर ऐसे दिखा सकते हो कि ये फिश बनी है। तो इस तरीके से, और ये सैंड, ये जो सारे आइटम्स हैं, ये बायलेटरल स्किल्स को भी इम्प्रूव करते हैं। मतलब दोनों हाथों से आपको ये कराना है। ऐसे नहीं कराना है कि बच्चा एक हाथ से छू रहा है और एक हाथ पीछे है। तो कोशिश करनी है कि दोनों हाथों का यूज हो। इस तरीके से आप देख सकते हो कि इसमें ये मैंने पम्पम बॉल्स ली है, ये अमेजोन पे इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। ये कॉटन बॉल्स हैं, ये बच्चे को ये टेक्सचर्स बहुत पसंद आते हैं। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स रख सकते हो। ये आप देख सकते हो, ये कहीं पे भी आप फ्रूट्स या वेजिटेबल्स आप खरीदने जाते हो तो ये इस तरीके के आपको ये मिलते हैं। तो ये मैंने ये सेंसरी बॉटल्स बनाई है, ये सेंसरी बॉटल्स। तो ये विजुअली बच्चे को देखने में बहुत अच्छा लगता है, तो आप कोई भी बॉटल के ऊपर ये इस तरीके से इसको लगा सकते हो। तो ये एक टेक्सचर प्रोवाइड करता है, छूने में बच्चे को बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आप अपने बॉटल्स के ऊपर इस तरीके से ये लगा सकते हो। इसी तरह आप देख सकते हो, ये वॉटर बीड्स है, ये मार्केट में अवेलेबल है, आप इसको मंगवाइए। और इन बीड्स को आप रात में भिगो के रख सकते हो, कुछ घंटों के लिए भिगो के रखना है, 3 or 4 आवर्स, और फिर उसके बाद ये बड़े हो जाते हैं और ये छूने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से आप ये वाटर बीड्स भी, इनको वाटर बीड्स बोलते हैं, आप ये बना सकते हो घर पे। तो मैं ये टेक्सचर्स आपको इसलिए बोल रही हूँ घर पे बनाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं उनको समझ नहीं आता है कि उनके बच्चे कुछ टेक्सचर से छूने से डर क्यों रहे हैं। तो इस तरीके से आप अगर घर पे अलग अलग टेक्सचर्स रखोगे, धीरे 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 बच्चे को एक्सपोजर दोगे और बच्चा इसको छुएगा, फिर धीरे धीरे वो अपनी डेली रूटीन में वापस आएगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि बच्चा छूता नहीं है और उससे उसकी डेली रूटीन टास्क जो भी आप कराने की कोशिश कर रहे हो वो हैम्पर होते हैं, वो हो नहीं पाते हैं। जैसे कि ये मैंने ये कुछ टेक्सचर्स लिए हैं और उनको मैंने पेस्ट कर दिया है। तो जस्ट एज अ प्ले आप ये कर सकते हो, बच्चा इसको एंजॉय करेगा। आप इस तरीके से अगर अट्रैक्टिव बनाओगे तो बच्चा इसको एंजॉय करेगा।